इतना फोटो मैं बताऊं रंजा, मेरे संग ना आजकल क्या दिक्कत हो गया, सही बता रहा हूँ। सुंदर लड़कियों को देख के मेरे मुंह से आई लव यू निकल जाता है। ये नया रोग कब लगा तुमको? मेरे को ये अजीब सी बीमारी परेशानी हो गई। ओ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, दो चप्पल जूते चाहिए सुबह और शाम, ठीक है? खाने से पहले दो चप्पल, खाने के बाद दो चप्पल, शाम के हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज रंजा भाई एक प्रैंक करने वाले हैं। प्रैंक बहुत अटपटा और मजेदार है। किस सुंदर लड़कियों को देख के मेरे मुझसे आई लव यू निकल जाता है, तो देखता हूँ उसके सामने कैसे एक्ट करूंगा, मेरी एक्टिंग को देखो उसके रिएक्शन कैसे होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो दोस्त प्रैंक करते हैं और वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, बाय बाय। यूट्यूब पे आए सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर आता फॉलो जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स? नहीं ना फोटो खिंचा, मैं नहीं खिंचा रहा फोटो, तू खिंचा ले मम्मी से फोटो। फोटो खींचते हैं अपने गेम में लगा हुआ है, तुम किस लिए आए हो फिर यहाँ पे? डुगू तू गेम खेलता रहता है तू हर समय यार। सही खेल गया मैं। फैमिली टाइम स्पेंड करने आए तो फैमिली टाइम स्पेंड करो ना, वो अपने गेम में लगा हुआ है, तुम पता नहीं क्या है तुम्हें फोन। खींचो चलो फोटो तो खींचो। खींचो ऐसे कौन फोटो खिंचवाता है? मेरे को लड़कियाँ है यार। तो लड़कियाँ तो क्या तुम्ही को देख रही है क्या? और लड़कियाँ इधर आओ, आओ ना फोटो। क्या कर रही हो, क्या बट बना रहे हो? रंजा घर पे खींच के घर पे खिंचवा लेंगे तो समझा। यहाँ पे आए हैं ना, लाइट्स वगैरह अच्छी लग रही है इसलिए खिंचवा रही हूँ। घर पे खींच लो ना, तुम ऐसे ही खींच लो। अच्छा ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो। क्या है ये? खींच लो ना, ये क्या है ये? अच्छा खींच लो, चलो ये कौन से पोज दे रहे हो तुम पागलों वाले? क्या सीखा तुमने? ऐसे कौन खिंचवाता है फोटो? तुम मेरे साथ अच्छा, खींचो खींचो, तुम मेरे साथ खींचो, तो खींचो। मैंने हाथ हटा दिया ना, मेरे हाथ लगाओ ना यहाँ पे, खींचो ना। अरे तुम रहने दो, तुमसे अच्छा तुम कुत्ते के साथ खींचवा लूँ मैं फोटो। गजब बेइज्जती है। आई लव यू, 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 क्यों बोल रहे मुझे? वो तुम फोटो अच्छी लग रही थी ना इसी चीज़ का। चलो फोटो खींचो, खींचो ना फोटो। आई लव यू, आई लव यू, I love you, I love you, I love you. I love you, मुझे क्यों पड़ गया? तुम्हारे लिए बोल रहा था पागल। इतना ज्यादा एकदम से प्यार तुम्हें टपक रहा है, एकदम से प्यार। जल्दी फोटो खींचो ना यार, फिर मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को ऐसे ही बैठना है। यहाँ देखो ना, पीछे क्या देख रहे हो? फोटो खींचो तो यहाँ देखते हैं ना, पीछे कौन देख रहा है? खींचो ना मेरा फोटो यार, तुम देखोगे तब तो खींचूंगी ना। नहीं खींचूंगा, चल किसको देख रहे हो सही बताओ, किसको देख रहे हो नवीन? किसको देख रहे हो? किसी को नहीं देख रहा। आई लव यू क्यों बोल रहे थे? तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं तुम्हारी कोई एक्स है क्या यहाँ पे? नहीं मुझे ऐसे लग रहा है तुम कोई एक्स, किसी दूसरी और लड़कियों को मैं देखूं और कुछ बात हो ऐसे, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि दूसरी लड़की को देख के उन पर मन ना जाए, तो मन मन में मैं तुमको आई लव यू बोलने लगे था। आई लव यू रंजना, आई लव यू, तो तुमसे चल झूठा, तुमसे प्यार बना रहे। क्या मतलब दूसरी लड़कियों को देख करके आई लव यू? क्या दूसरी लड़कियों के मन से निकालने के लिए तुम्हारे लिए आई लव यू बोलता रहता हूँ? क्या ये लॉजिक है, मेरे को समझ में नहीं है। ऐसा सही बताओ, क्या अपने मन में तुमको आई लव यू बोलता रहता हूँ जिससे तुम दूसरी लड़कियों की तरफ ध्यान ना जाए? दूसरी लड़की की तरफ ध्यान ना जाए इसलिए आई लव यू बोलते हो? तो दूसरी लड़की की तरफ ध्यान क्यों जाता है तुम्हारा? नहीं जाता क्यों है? मैं नहीं बताऊंगा। जाता क्यों है बताओगे? सच सच बताओ ना, सच सच। ओ भाई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं बताऊं रंजा, मेरे संग ना आजकल क्या दिक्कत हो गया, सही बता रहा हूँ मेरे संग क्या दिक्कत हो गया पागल। सुंदर लड़कियों को देख के मेरे मुंह से आई लव यू निकल जाता है, तो सच में यार। ये क्या है, ये नया रोग कब लगा तुमको? मुझे पता, सच में यार मेरे को ये अजीब सी बीमारी परेशानी हो गई। ओ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कुछ भी मम्मी, पता है यहाँ पे तो इतनी सारी लड़कियां, तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ, आई लव यू आई लव यू। मैं नहीं देखूंगा मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, ठीक है? मैं देख कर रहा, मैं तो देखो, और इधर भी आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तुम घर चलो, हमारा ना ये हिसाब किताब ना जो मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है, ये नया रोग लगा लिया तुमने। आज तक की जिंदगी में मैंने कभी कहीं पे भी नहीं पढ़ा ऐसा कि दूसरी लड़कियों को देख कर किसी को बीमारी लगी थी आई लव यू बोलने की। सॉरी बोलो तो चलो, समझ में आता है कि लोगों की हैबिट में आ जाता है तो। अच्छा चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। चलो यार तुम गुस्सा मत करो प्लीज, तुम्हें भूख लग रही है, ठीक है? तुम क्या खाओगी? चिली चिली पनीर खाओगी? आई लव यू आई लव यू। देख रहे हो, देख रहे हो, इसको छुपा लोगे तो इसका मतलब ये कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तुम देख क्यों रहे हो? मेरा ध्यान चला जाता है। ध्यान क्यों जाता है तुम्हारा? मुझे अब नहीं जाएगा, सुनने लड़कियों को देख के आई लव यू निकल जाता है मुझे। मुझे देख के आई लव यू क्यों नहीं निकलता? अच्छा ये बताओ, चिली पनीर मुझे देख के चिली पनीर कर दूं या एक पिज्जा खाऊं? चिली पनीर बना दूंगी मैं पहले, ये बताओ मुझे देख के आई लव यू क्यों नहीं निकलता? मुझे देख के आई लव यू क्यों नहीं निकलता? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। समझ गया, मैं बुढ़िया हो गई हूँ? नहीं, मैं बुढ़ी हो गई हूँ? नहीं, पुरानी हो गई हूँ? मुझसे प्यार नहीं रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर ना जैसे मैं तो बताऊँ कैसी लड़कियों को देख के आई लव यू निकल जाता है, जैसी भी और वो नहीं आई लव यू आई लव यू। मतलब जो लड़की थोड़ी ऐसे 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 करके, मतलब तुम भी हो ऐसी, पर वो थोड़ी छोटी उम्र की, मतलब मैं बुढ़िया, समझो ना यार मेरे को। मैं डॉक्टर के पास भी गया था, साइकोलॉजी वाले डॉक्टर पे गया था, साइकोलॉजी बताई तो मैं बीमारी हो गई है, सुंदर लड़की को देख के मुझसे आई लव यू निकल जाती है, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। झूठ बोल रहा है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि आप नहीं, इसका इलाज ये है कि दिन भर तुम एक कमरे में बंद हो जाओ और मतलब ढेर सारी लड़कियों के साथ तो जी भर के बोल दो आई लव यू, बस खत्म, एक दिन में बीमारी। ये कैसी बीमारी है? और ये कुछ पागल डॉक्टर ने तुमको ये बता दी कि बहुत सारी लड़कियों को इकट्ठा आई लव यू बोल दो? हाँ तुमने बोला नहीं कोई मैरिड पर्सन हो तो? एक ये कंट्री अब नजर मेरे पर, मेरे सामने रहनी चाहिए, चिंता मत करो, मुझे देखो, तुम पर नजर रहेगी, मेरी नजर तुम पर रहेगी, तो इधर उधर देखना मत, फोड़ के रख दूंगी नहीं तो। अभी तो मेरे को मार रही थी, टुकू भी पीछे पीछे आ गया था गेम खेलते खेलते, तो दिखेंगे ना ये पापा क्यों पिट रहे हैं। ये तो तू क्यों सुनने चले आता है? अगर पापा पिट रहे होते तो क्यों आता है पीछे पीछे? क्यों जहां मां बाप जाएंगे वहीं पे जाएगा। आई लव यू आई लव यू। ओ गिर गया मैं, सुधर जाओ आदमी। मैं उधर चला आया हूँ सेल्फी खिंचवाने, वहाँ आई लव यू के साथ प्लस गिफ्ट भी दे आना, चुम्मा चाटी कराना, ठीक है? और फिर बोल दे मुझे नई साइकोलॉजिकल बीमारी लगी है। सही पकड़े हैं धन्या, मैं उधर एक सेल्फी खींच के आ रहा हूँ, सेल्फी खींच के आ रहा हूँ। आई लव यू 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 आई लव यू। मना किया था ना नहीं जाना है? यार तो फोटो में भी दिख रही है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मैं ये तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, नहीं है मैं वो सॉरी को तुम मोड में आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तुम्हारी बीमारी नहीं सुधरेगी, तुम्हारा इलाज मैं निकालूंगी घर में। चलो तुमको रोज दो दो चप्पल जूते चाहिए सुबह और शाम,
ठीक है, खाने से पहले दो चप्पल, खाने के बाद दो चप्पल, शाम को दो जूते, रात को सोते वक्त दो जूते, तुम सुधरोगे भाई। बस सॉरी भाई, मैं तेरे आगे बाजू उठो तू बैठे यार, तू आ रहा खाना खा के तेरा सर पेट शांत हो यार, मेरे पेट को शांत होगा, तुम्हारी तुम्हारी नई बीमारी कहां पे, बताऊंगा बीमारी कैसे हुई डॉक्टर, आप सही इलाज बताऊंगा सच्ची में, सच में डॉक्टर ने मुझसे बोला है अपनी बीवी के साथ स्विमिंग करो डेली सुबह शाम, और स्विमिंग करते टाइम आई लव यू बोलो, तब भी बीमारी दूर होगी। कौन से डॉक्टर है ये, कैसे क्या बताया ये? उस डॉक्टर को पहले आज से 10 साल पहले ये बीमारी खुद थी। ले उसने खुद सही करी है। वो डॉक्टर ये भी कह रहा था कि अक्सर हम दूसरी लड़कियों को देखते हैं और लड़कियों को देखते हैं तो हमारे मुंह से आई लव यू निकल जाता है, तो डॉक्टर ने जो अपना फाइनल इलाज किया था ना, उसने क्या किया था कि हर 3 साल में एक दूसरी शादी की थी, तो उसकी बीमारी दूर हो गई। मैं छोड़ दूंगा इलाज, दूर हो जाएगा, समझा करो ना, मेरे को बीमारी ही अलग है, मेरे को कॉलिंग अदर गर्ल्स आई लव यू वाली बीमारी है। नहीं हमें हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश में जा रहे थे बार बार, उसे बोलते हैं टेलिंग आई लव यू, मतलब बार 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 तो समझ में आ रहा हमको, ठीक है ज्यादा बार बार मत बताओ मेरे को अच्छी तरीके से, मैं बोल भी नहीं पा रहा। नंबर के लखंडर आदमी बन गए हो, लखंडर लुच्चे। अच्छा बीमारी का नाम बताना, बीमारी को कोई नाम भी तो होगा। कॉलिंग आई लव यू, कॉलिंग आई लव यू, कॉलिंग आई लव यू ओसीडी, कॉलिंग आई लव यू ओसीडी, और क्या ये किसने कहा कॉलिंग आई लव यू ओसीडी, मैंने तो कभी नहीं देखा कॉलिंग आई लव यू ओसीडी। बहुत लोगों को कैसे किसी चीज की बीमारी होती है, जैसे किसी चीज को बार बार करना, कोई अपनी चैन बार बार चेक करता रहता है, कोई ताला बार बार चेक करता रहता है, कोई घर के मतलब बार बार अपनी बाइक का लॉक चेक करता रहता है। ओसीडी की प्रॉब्लम मैं जानती हूँ वो ठीक है, पर ये कॉलिंग आई लव यू ओसीडी का मैंने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं है। बीमारी लग गई आई लव यू बोलने की लड़कियों को, लड़कियों को देख के यार मुंह से किसी ऐसे आई लव यू निकलता, अनोन लड़कियों को देख के मुंह से आई लव यू, किसी भी लड़की को देख मुझे आ रही है ऐसे काम करता है यार, मेरे को मतलब छवियां ऊपर से आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा पता नहीं क्या आई है। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, बीमारी है क्या तुम कोई, तुम कहीं कुछ दुगु गेम खेल ले, क्या कर रहा दिखाना जरा, ओए नहीं ये वीडियो बना रहा है ना, प्रैंक कर रहे थे, ये वीडियो बना रहा है ना, प्रैंक कर रहा था, ये वीडियो बना रहा है ना, इधर आजा आजा, तू भी पापा प्रैंक कर रहे, तुम दोनों ना बहुत दुष्ट हो, कहीं पे भी आ रहे हो, तो कैसा लगा आपको ये हमारा प्रैंक, और यहाँ पे आए थे हम सेल्फी पॉइंट पे, कैसे मजे आए ना दुगु ने मैंने बोल दिया ये गेम खेलने के बाद इसने वीडियो बना ली, मेरे को लगा ये गेम खेलने पे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा प्रैंक कमेंट कैसे जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना, और फेसबुक पेज पे फॉलो करना, यूट्यूब पे आया तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, बाय बाय।